आज हम परफॉर्म करने वाले प्रैक्टिकल है हमारा डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी। इसके पहले हमने मोनोकोट रूट और मोनोकोट स्टेम देख लिया है, अब हम सनफ्लावर एग्जांपल के फॉर्म में डाइकोट स्टेम को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। रिक्वायरमेंट टेबल पे रखी हुई है, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें हमारे पास में जो स्टेम का प्रिजर्व सैंपल है वो हमें लेना है। आपके पास में प्रिजर्व सैंपल ना हो तो आप कोई भी जो फ्रेश डाइकोट है वो स्टेम ले लें। स्टेम को कट करने के लिए, उसकी टीएस को कट करने के लिए हमें फ्रेश अगर सेविंग ब्लेड हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, बिकॉज वो बहुत शार्प होती हैं और इजीली कट हो जाती हैं। ट्राई करें आप सर्कुलर और बहुत ही छोटा सा जो है आप स्टेम लें, ताकि उसको बिल्कुल एकदम थिन स्लाइस आप इसकी ले पाएँ। जितना थिन स्लाइस आपकी टीएस की होगी उतना बहुत ही शानदार आपकी एनाटॉमी जो है आपको नज़र आएगी। उसमें एपिडर्मल टिशू सिस्टम, ग्राउंड टिशू सिस्टम, वैस्कुलर टिशू सिस्टम, हर एक टिशू बहुत ही क्लियरली आपको उसमें अपेयरेंस पे नज़र आएगा। ट्राइकोम्स हो गया, एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकल हो गया। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर स्क्रीन पर जो है टी एस ले रहा हूँ और मैंने 3 टी एस के सैंपल मैंने लिए हैं। देखो इनकी थिकनेस मैक्सिमम ट्राई करें कि मिनिमम हो। टी एस के बाद मैं वॉच ग्लास में सेफ्रेनिन ले इसको स्टेन करने के लिए। अब सेफ्रेनिन की जगह और भी स्टेन यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास में सेफ्रेनिन अवेलेबल तो हमने सेफ्रेनिन लिया है। उसके बाद में आप क्या करें, आपके पास में स्लाइड प्रिपरेशंस के टाइम पे हमें या तो वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या ग्लिसरीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो कोई भी ले लें। अब क्या करें, आपके पास में जो ब्रश है ब्रश की मदद से जो आप इनको आपका जो टीएस है उसको स्टेन करने रख दें 2 से लेकर 5 मिनट तक। ट्राई करें कि आपका स्टेन थोड़ा डाइल्यूट रहे ताकि अपीयरेंस बहुत क्लियर आपको मिले। फाइनली हमारा जो स्टेनिंग में रख दिया हमने, अब आपको स्लाइड लेनी है। स्लाइड पे आपको एक ड्रॉप जो है ग्लिसरीन की रख देनी है। आपका जो स्टेन अभी आपके पास में टीएस था वो टीएस आपको लेना है और टीएस को आपका जो ग्लिसरीन रखा था उस ड्रॉप के अंदर उसको रखें, ताकि अब हम उसको कवर स्लिप से कवर करके अब हम उसको जो है स्लाइड जब फॉर्म करके उसको हम ऑब्जर्व कर सकें। ये आप देख लीजिए कवर स्लिप है, देख लीजिए अगर आपका टीएस थोड़ा अगर ठीक होगा तो शायद कवर स्लिप पूरी फिट नहीं होगी, तो आप स्लाइड भी यूज़ कर सकते हैं, अगर बहुत थिन होगा तो फिट हो जाएगी। चलिए फाइनली हमारी स्लाइड तैयार हो चुके हैं, हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपको पहले माइक्रोस्कोप को लाइट सेट करें, 10x पे रखें, स्लाइड फिट करें और आप उसमें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पूरे टीएस का जो आउटर एरियाज़ हैं आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे एपिडर्मिस भी नज़र आ रही हैं, ओके, आपको यहाँ कॉर्टेक्स भी नज़र आ रहा है, सारी लेयर्स आपको देखो 1 by 1 आपको लेयर नज़र आ रही हैं। हमने कोशिश की है कि हम मैक्सिमम जो है इसको कर सकें। ये प्राइमरी लेवल का माइक्रोस्कोप है जो 11th 12th लेवल पे CBSE और गुजरात बोर्ड के स्कूलों में या जनरल स्कूलों में जो यूज़ होता है उसी माइक्रोस्कोप से हमने आपको ये स्लाइड बना के दिखाई है। तो शायद आपको मज़ा आया होगा, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो आप देख रहे हैं इसका रियल व्यू है, एपिडर्मिस है, उसके बाद में ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, कोलेनकाइमा वगैरह वगैरह। थैंक यू।